दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा, रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल, सर्टिफाइड योगा टीचर। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के लक्षणों के बारे में। हमारे देश में इस समय 8 करोड़ के लगभग डायबिटीज के पेशेंट हैं। हमारे देश को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक इनकी संख्या बढ़कर के 10 करोड़ हो जाएगी। यदि हम इसके लक्षणों को पहचान लें और समाज में इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करने में सहयोग करें तो हम आने वाले समय में इनके मरीजों की संख्या को घटा सकते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण है बार बार भूख लगना, बार बार इच्छा होती है भोजन करने की, बार बार प्यास लगना इसका एक दूसरा लक्षण है, और बार बार पेशाब के लिए वॉशरूम में जाना इसमें पड़ता है। इसके अतिरिक्त इसमें थकान महसूस होती रहती है उस मरीज को, उसमें ऊर्जा की कमी बनी रहती है, काम करने का मन नहीं करता उसका। त्वचा में खुजली होना, दृष्टि का कमजोर होना, चिड़चिड़ापन और वेजाइनल इन्फेक्शन भी इसके लक्षण है। यदि लगातार इसकी अनदेखी की जाए तो कुछ गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे त्वचा के ऊपर काले धब्बे होना, पैरों में हर समय दर्द रहना। इसके अतिरिक्त फंगल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, और यदि कोई घाव हो जाए तो वो ठीक होने की बजाय लगातार उसमें वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, यदि आपके आसपास इन लक्षणों का कोई व्यक्ति हो तो कोशिश करनी है कि हम उसको उचित इलाज दिलवाने में सहायता कर सके। इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है जिसका नाम है स्टॉप डायबिटीज हब। हमारा उसके अंदर उद्देश्य है 10,000 व्यक्तियों की दवा छुड़वा करके उनको रोग मुक्त करना। इसका लिंक नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके उस व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।